आज मैं बता रहा हूँ कि नाखून और हथेलियों के रगड़ने में क्या क्या लाभ है, क्या क्या इसमें छुपे हुए हैं गुण। हम घर बैठे ही स्वस्थ रह सकते हैं, बालों के लिए, चेहरे की सुंदरता के लिए यही चीज़ें नज़र आती हैं, आँखों की रोशनी बढ़ जाती है, चेहरे की सुंदरता बढ़ जाती है। साथियों, हथेलियाँ में इतनी ऊर्जा है, यदि आप सुबह सूर्य की किरणों पर बैठ के हथेलियाँ खोल के बैठ जाते हैं तो इतनी एनर्जी आ जाती है, या प्राणायाम करके बैठ जाते हैं तो इतनी एनर्जी आ जाती है। इसको रगड़ने से आप अपने चेहरे पे लगाते हैं तो क्या लाभ मिलता है, अब मैं बता रहा हूँ। साथियों, जाना नहीं छोड़ के सुनना है। हाथों को कैसे रगड़ना है ये भी बड़े पॉइंट हैं। देखिए, दोनों हाथ जोर से रगड़ें, जब प्राणायाम कर लें या सूर्य के सामने हाथ गर्म कर लें, ऐसे रगड़ें, जोर से रगड़ें और फिर इसको चेहरे पे लगा के हल्के से पहले आँखों की पुतलियों को ऊपर से अपनी उंगलियों से मसाज करें। क्या बात है, मैं भी अभी तक पूरी किताब पढ़ लेता हूँ छोटे छोटे अक्षरों में बिना ऐनक लगाए, इतने से लाभ में। दूसरा पॉइंट देखो, हाथों को इंटरलॉक कर लिया आपने, ये नीचे का उभरा हुआ भाग है, इसको ज़ोर से रगड़ें। अरे, जब इतना ये गर्म हो जाएगा, देखना आपकी आँखों को कितना सुकून मिलेगा। इसको बंद आँखों पर ऐसे टिका देना है, ऐसे। अरे, क्या बात हो रही है, आँखों का सिकाई हो रही है, आँखों की रोशनी बढ़ रही है। इन दोनों विधि से आपके आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी। नाखूनों को, इसके ऊपर के कोर नाखून के रगड़ने से ही आपके झड़ते हुए बाल ठीक हो जाते हैं। और इसको अभी नाखूनों से ऐसे मसाज करेंगे तो भी आपके बाल टूटने से छूट जाएंगे। साथियों, अपने ही हाथों में छुपा हुआ है बहुत सारा यो विज्ञान। क्या बात है इस विज्ञानों की। साथियों, इस वीडियो को आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।